गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में देखिए हम पढ़ रहे हैं वाक्य विश्लेषण। वाक्य विश्लेषण केवल रचना पर आधारित वाक्य का ही होता है। रचना पर आधारित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो साधारण वाक्य का वाक्य विश्लेषण करते समय किन बातों का उल्लेख किया जाता है? साधारण या सरल वाक्य का वाक्य विश्लेषण इस प्रकार के वाक्य का विश्लेषण करने के प्रमुख अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। तो साधारण और सरल वाक्य का विश्लेषण करते समय उद्देश्य और विधेय के बारे में बताना पड़ता है। तो देखिए क्या लिखा है, उद्देश्य उद्देश्य में आता है कर्ता और कर्ता का विस्तारक, विधेय में आता है कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक, क्रिया और क्रिया का विस्तारक। एक उदाहरण दिया गया है, देखिए, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो कर्ता कौन है? प्रशांत। तो कर्ता का आ गया प्रशांत, और कर्ता का विस्तारक क्या है? मेरा भाई, मेरा भाई। अब देखिए कर्म क्या है, कर्म क्या कर रहा है बोलो? पुस्तक पढ़ने का कार्य करता है। पढ़ता तो क्रिया है, ये तो क्रिया है, और पुस्तक ये क्या है? कर्म। तो यहाँ आ गया पुस्तके। अब कर्म कौन सी किस प्रकार की है? कर्म का विस्तारक है धार्मिक। अब देखो यहाँ पर पूरक कोई है नहीं, क्रिया है, पढ़ता है, और क्रिया का विस्तारक क्या है? अधिक। पढ़ता है अधिक। अब दूसरा वाक्य, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। अब देखो यहाँ पर कर्ता कौन है? ताजमहल। तो यहाँ लिखो ताज महल, और ये कहाँ का है? आगरा का। कर्ता का विस्तारक है कर्म, कर्म यहाँ पर कोई है नहीं, पूरक देखो क्या लिखा है? स्थल लिखा है, पूरक है स्थल, और यहाँ पूरक में स्थल, और फिर है दर्शनीय, स्थल दर्शनीय है, क्रिया और क्रिया का विस्तारक है नहीं। इसके बाद संयुक्त या समानाधिकरण वाक्य का विश्लेषण करते समय केवल दो ही बातों का उल्लेख करना है, वाक्य का प्रकार। वाक्य का प्रकार कौन सा प्रकार है? जैसे संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, दो साधारण या सरल वाक्य होते हैं, संयोजक शब्द से जुड़कर बने होते हैं। जैसे लिखा राम पढ़ता और श्याम खेलता है, तो यहाँ पर राम पढ़ता है सरल वाक्य है, राम पढ़ता है सरल वाक्य है, और श्याम खेलता है, केवल बड़ा ही सरल सा है, और संयोजक शब्द कौन सा है? आओ, ये हो गया संयुक्त या समानाधिकरण वाक्य का वाक्य विश्लेषण। बड़ा सरल है, राम पढ़ता है सरल वाक्य, श्याम खेलता है, तो ये श्याम खेलता हो गया, दोनों वाक्य हो गए, और दोनों को जोड़ने वाला कौन सा है? आउट। मिश्र और मिश्र वाक्य का वाक्य विश्लेषण, मिश्र वाक्य हम पढ़ चुके हैं। मिश्र वाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, संज्ञाश्रित वाक्य, विशेषणाश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषणाश्रित उपवाक्य। इनका विश्लेषण करते समय प्रधान उपवाक्य, संयोजक शब्द, आश्रित उपवाक्य, आश्रित वाक्य का प्रकार। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य गुरु, तो गांधी जी ने कहा, तो यहाँ आ जाएगा गांधी जी ने कहा। संयोजक शब्द क्या है? कि आश्रित वाक्य है सदा सत्य बोलो, किस प्रकार का है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि कौन से संयोजक शब्द से प्रारंभ हो रहा है? कि किससे प्रारंभ होने वाला कौन सा वाक्य कहलाता है? संज्ञा आश्रित वाक्य कहलाता है। दूसरा जो विद्वान होता है उसका सभी आदर करते हैं, तो यहां पर जो विद्वान होता है, अब उसका क्या है बोलो? सभी आदर करते हैं, यह है विशेषण आश्रित उपवाक्य। इस संयोजक शब्द को यहां पर भी लिख सकते हैं, ये यहां और ये यहां पर भी लिख सकते हैं। यदि राम परिश्रम करता तो यहां पर राम, यदि राम परिश्रम करता तो यह अवश्य सफल होता। ये कौन सा है बोलो? यह हो जाएगा क्रिया विशेषण
आश्रित रूप में वाक्य। बड़ा ही सरल सा है, अगले में आपको ये देखना है और जो बात समझ में आए तो मेरे मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।